वेलकम टू सेम ब्लॉग्स दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में फिर से एक बार। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मिर्जापुर 2 का रिव्यू। जी हाँ, गूगल में लेटेस्ट ट्रेंडिंग और यूट्यूब में, फेसबुक में, जहाँ भी सोशल मीडिया पे आप देखिए मिर्जापुर 2। तो क्या है आखिर मिर्जापुर 2 में नया? जी हाँ, क्या मुन्ना भाई ले पाएंगे मिर्जापुर या गुड्डू ले पाएंगे अपना बदला? जानिए एक्शन से लेकर डायरेक्शन तक और म्यूजिक से लेकर बैकग्राउंड तक। बने रहिए वीडियो में अंत तक। स्वयं ब्लॉग्स दोस्तों, मिर्जापुर के पहले सीजन की कहानी के अंत में कई परिवार उजड़ चुके थे, लेकिन सबसे ज्यादा जख्मी थे गुड्डू पंडित यानी कि अली फजल। मुन्ना त्रिपाठी ने गुड्डू की बीवी, बच्चे और भाई की हत्या कर दी थी, और इस गोलीकांड में अगर बच्चे थे तो केवल मुन्ना त्रिपाठी, गुड्डू पंडित, उनकी बहन डिम्पी और बबलू की गर्लफ्रेंड गोलू। पहला सीजन खत्म होने के बाद में दर्शक इस बात पे पूरी तरह आश्वस्त थे कि जो दूसरा सीजन आएगा वो गुड्डू पंडित के बदले पे ही होगा। हालांकि मेकर्स ने के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी कि जिस चीज के बारे में दर्शक पहले से आश्वस्त थे उससे हटकर उनको क्या परोसा जाए। और कहना होगा मेकर्स ने दर्शकों को पूरी तरह सेटिस्फाइड करने में कामयाब रहे हैं। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कहानी से लेकर बैकग्राउंड तक, एक्टिंग से लेकर डायरेक्शन तक मिर्जापुर 2 में किन चीजों का ध्यान रखा गया और कहां पर सीजन थोड़ा सा कमजोर पड़ता नजर आता है। लेकिन उससे पहले देखते हैं मिर्जापुर 2 का लेटेस्ट ट्रेंडिंग ट्रेलर जो कि सभी सोशल प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहा है। तो चलिए एंजॉय करते हैं। जो आया है वो जाएगा भी, बस मर्जी हमारी होगी। गद्दी पे चाहे हम रहें या मुन्ना, नियम सेम होगा। और हम एक नया नियम ऐड कर रहे हैं, मिर्जापुर की गद्दी पे बैठने वाला कभी भी नियम बदल सकता है। गुड्डू पंडित वापस आ गए, वो जाएंगे नहीं। अगली बार दुश्मन हाथ लगा तो बचेगा नहीं। पापा की विरासत ये तो नहीं हो सकती ना कि दो लौंडे बीच चुराए तो उन्हें मार के चले जाए। तो उसके लिए तो मिर्जापुर लेना होगा ना। आप ही का मन था ना कि आपकी बेटी मिर्जापुर पे राज करे। बड़ी ना सही, छोटी करेगी। मुख्यमंत्री जी, हम पर्सनली आपका वोटिंग परसेंटेज बढ़वाएंगे तो हमारे पार्टी की छवि वो भी ठीक हो जाएगी। बिहार में आपका स्वागत है। तथा त्यागी बहुत बड़े आदमी, बड़ा दबदबा है उनका। शेर के मुंह को खून लग चुका। शेर की उम्र ज्यादा है लेकिन बूढ़ा नहीं हुआ है वो। तुम्हारे दद्दा जब लेने जाते हैं तो सीढ़ी लगती होगी या खुद ही चढ़ जाते हैं? दद्दा होते ही तुम्हारी माँ चुप देते, अभी सीढ़ी तो उसके लिए भी लगती होगी। स्वीटी का उधार हम पे चुकाना है। अब हमको बदला भी लेना है और मिर्जापुर भी। दोस्तों मिर्जापुर के दूसरे सीजन में गुड्डू पंडित उस जख्मी शेर की तरह हैं जो इंतकाम की आग में जल रहे हैं, और इसी तरह गोलू को भी अपना बदला चाहिए। हालांकि दोनों ही परिवारों ने अपने परिवार के सदस्य को खोया है और उनके परिवार के मुखिया चाहते हैं कि उनके बच्चे वापस लौटाएं, लेकिन गुड्डू पंडित को अब बदला चाहिए और मिर्जापुर की गद्दी भी। उधर मुन्ना त्रिपाठी रतिशंकर शुक्ला के बेटे शरद के साथ अपना हाथ मिला चुके हैं और शरद के पिता गुड्डू पंडित से अपना बदला लेना चाहते हैं क्योंकि गुड्डू पंडित ने शरद के पिता की हत्या कर दी थी। और इसी बीच जो अखंडा है यानी कि कालीन भैया, वो अपने धंधे को बेहतर बनाने के लिए यूपी के सीएम के साथ करते हैं साठगांठ, और वो चुनावी रैली का फायदा उठाते उठाते जो मुन्ना है वो सीएम की बेटी के करीब आ जाते हैं। और इसी सारी नजदीकों को बढ़ाते हुए मुन्ना की शादी सीएम की बेटी के साथ हो जाती है और जो कि बाद में खुद ही सीएम बन जाती है, और कहानी इसी तरह से आगे बढ़ती रहती है। तो मैं ज्यादा कहानी के बारे में तो नहीं बता सकता हूँ आपको,
और इसके लिए मैं और भी वीडियो बनाऊंगा अपने अलग अलग सेशन के लिए। दोस्तों जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनसे निवेदन है, दोस्तों मिर्जापुर के दूसरे सीजन में गुड्डू पंडित उस जख्मी शेर की तरह हैं जो इंतकाम की आग में जल रहे हैं, और इसी तरह गोलू को भी अपना बदला चाहिए। हालांकि दोनों ही परिवारों ने अपने परिवार के सदस्यों को खोया है और उनके परिवार के मुखिया चाहते हैं कि उनके बच्चे वापस लौटाएं, लेकिन गुड्डू पंडित को अब बदला चाहिए और मिर्जापुर की गद्दी भी। उधर मुन्ना त्रिपाठी रतिशंकर शुक्ला के बेटे शरद के साथ अपना हाथ मिला चुके हैं और शरद के पिता गुड्डू पंडित से अपना बदला लेना चाहते हैं क्योंकि गुड्डू पंडित ने शरद के पिता की हत्या कर दी थी। और इसी बीच जो अखंडा है यानी कि कालीन भैया, वो अपने धंधे को बेहतर बनाने के लिए यूपी के सीएम के साथ करते हैं साठगांठ, और वो चुनावी रैली का फायदा उठाते उठाते जो मुन्ना है वो सीएम की बेटी के करीब आ जाते हैं, और इसी सारी नजदीकों को बढ़ाते हुए मुन्ना की शादी सीएम की बेटी के साथ हो जाती है और जो कि बाद में खुद ही सीएम बन जाती है और कहानी इसी तरह से आगे बढ़ती है। तो दोस्तों मैं अपने आने वाले एपिसोड्स में, अपने आने वाले वीडियोस में आपको आने वाले सीजन्स की जानकारी देता रहूँगा। अभी तक की जो अपडेट है वो एपिसोड नंबर 1-4 तक की है, इसके आगे के एपिसोड्स की जानकारी मैं अपने आने वाले वीडियोस में दूंगा। तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब किया है उनके लिए थैंक यू, और जिन लोगों ने नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस आपको तुरंत मिलती रहे और नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग स्वयं ब्लॉग्स, थैंक्स।